करवाती है हमारी सासू मैया। अभी मास्क का ही तो है, नसों का ये वाली रोड आएगी दीदी, अभी नसों का ही तो है ये। हाँ दीदी, ये न्यूरोलॉजिकल आगे आगे। हाँ यहाँ आती है अपना दिखाने के लिए। इस पे मुड़ना है। हाँ मुड़ा ना विशाल मैडम। तो हमने पहले कराया अपने बच्चों का एंजॉयमेंट, क्योंकि हम तो शॉपिंग करेंगे ही, लेकिन पहले बच्चे हैं, इनको हम करा देते हैं फुल एंजॉय। नहीं तो ये हमें शॉपिंग करने नहीं देंगे, ये करो वो करो, तो ये अपनी अपनी राम कथा सुनाएंगे। तो देखो यहाँ पे गणेश का घूम रही है गाड़ी लेके, और हमारी दूसरी बेटिया रानी पीछे घूम रही है, तो इनका पूरा एंजॉयमेंट फुल चल रहा है। हमारी मुलाकात हुई इनसे, तो हमने इनके साथ फोटो लिया, थोड़ी सी बातें करी, बहुत अच्छा लगा इनसे बातें करके। यहाँ मॉल के कुछ ही दूरी पे एक भूत बंगला है, ये वाला, तो इसको भूत बंगला के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे कबूतर हैं, और यहाँ पे सब जो भी लोग भागते वो बाहर ही फ़ोटो करा रहे थे, अंदर तो कोई नहीं गया था। देखो ये काफ़ी बड़ा था काफ़ी, तो मैं कह रही थी दीदी से, दीदी मैं देखूँ एक बार वोट, तो दीदी मेरे को डांट रही थी, कह रही थी तू रहने ही दे। तो यहाँ पे देखो कितने सारे कबूतर हैं, काफ़ी बड़ा था ये, काफ़ी बड़ा था, देखने में काफ़ी डरावना था अंदर से। के आगे फागे नहीं चली जाए, ये हमारी मतलब है, वीडियो वीडियो हम तो ऐसे हैं सिंपल से लुक। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो कराए थे एक दो उस भूत बंगले के पास, तो यहाँ मैंने फ़ोटो ले लिए थे। क्या हो रहा है? टूट गई है। अच्छा और सामान कहाँ रह गया? ठीक है चाबी ले ली। वो पीछे गिरे तो देख लेना। ओके गिर गया है। मैं आऊं? किसी में डाल देंगे। हाँ पाव हाजी रेडी करवाई, और पहले करी पेट पूजा, फिर करा काम दूजा। हमारी शॉपिंग करने के बाद फुल शॉपिंग करी, फुल मस्ती कराई बच्चों को, तो हमारी घर हो गई है वापसी। अब हम घर पे पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत काम करेंगे और करेंगे आराम।
तो देखते हैं घर पे जाके, हमें पता चला है कि घर पे कोई आया हुआ है, देखते हैं कौन आया हुआ है, वो तो घर पहुंच के पता चलेगा। तो यहाँ पे आए हुए हैं भैया, ये कौन है ये हम आपको बताते हैं। ये घर पे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। पापा की थोड़ा हेल्प कराते हैं खेती बाड़ी में और कहाँ से आयो का काम कराते हैं। बताओ कहाँ से आए? मड़ौना से। मड़ौना से आए, अच्छा कई दिन के लिए आ गए? एक रात तो। एक रात को बस, छुट्टी ना मिलती तुम्हें? ना। अच्छा ठीक, तो यहाँ नहीं रुक सकते हो तुम? ना। अच्छा देखो बारिश आ गई है, देखो दिख रही है बूंदे हल्की हल्की, देखो बारिश आ चुकी है, गाड़ी अंदर कर दी है क्योंकि कुछ पता नहीं है मतलब कितनी तेज बारिश हो और ओले वगैरह आने लग जाए, इसलिए पापा ने गाड़ी अंदर कर दी। तो ब्लॉग को एंड करने से पहले ब्लॉग को कर दो लाइक जिसने भी नहीं किया है, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब जो भी न्यू है, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। तो हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।